हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गार्डन। मैं राजेश स्वामी और आपके बीच में इंग्लिश ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अपन इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो वैसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे नाउन के बारे में। दरअसल जो नाउन होते हैं उसकी शॉर्ट डेफिनेशन होती है एवरीथिंग इज नाउन, यानी प्रत्येक चीज़ क्या होती है, नाउन होती है। या कह सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति या वस्तु, गुण, भाव, दोष, इन सभी चीज़ों के जो नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा नाम तो भी नाउन है, आपका नाम भी नाउन है। ये जैसे मान लो ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो उनको भी अपन नाउन कह सकते हैं। जैसे मिट्टी है तो भी नाउन है। कुछ भी नाम है आपके जो जहन में आ रहा है तो वो सारे सारे नाउन होते हैं। लेकिन उन नाउन को अपन 5 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से, ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने अभी बताई, वो 5 तरीकों से अपन बांट सकते हैं, वो अपन अध्ययन करेंगे। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। तो ए नाउन इज वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। और वो दुनिया की सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई गुण या भाव कुछ भी हो सकते हैं, तो उन सभी के जो नाम हैं वो अपन 5 तरीकों में, अलग अलग तरीकों में उनको बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपोनाउन, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव, और चौथा है मटेरियल, और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले अपन इनको और अध्ययन करेंगे। जो मॉडर्न जो इंग्लिश के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो उनको 3 तरीके से बांट दिया गया। जैसे प्रॉपर है तो प्रॉपर रखा गया, और इसको आगे देखिए कॉमन और कलेक्टिव जो नाउन होते हैं उनको अपन काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, जिसे गणनीय संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और तीसरा उन्होंने रखा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो 5 थे मुख्यतः 5ों को मॉडर्न इंग्लिश के अंदर उसको 3 बार दिया गया। प्रॉपर को प्रॉपर में रखा है, कॉमन और कलेक्टिव को काउंटेबल में रखा है, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में रखा है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, आइडिया और थिंग, ठीक है ना। किसी व्यक्ति या फिर स्थान या किसी के, मान लो किसी इसी चीज़ के अगर आप नाम ले रहे हो ना, उसे प्रॉपर कहते हैं। जैसे राम है, दिल्ली है, गंगा है, इंडिया है, सीता है, गीता है। जैसे अपन कॉमन नाउन पढ़ते हैं तो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू द, यानी पर्सन, थिंग और पैलेस ऑफ द सम क्लास और काइंड, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लो कि भी कॉमन क्या होता है, जातिवाद संज्ञा होती है। इसमें जाति में क्या होता है कि भाई किसी जो समूह होते हैं ना उनके प्रॉपर रूप से नाम लिया जाए। जैसे मान लो बॉय है, तो बॉय वो लड़के हैं, तो लड़कों के नाम बहुत सारे होते हैं, तो वो नाम होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे राम है ये प्रॉपर हो जाएगा। जैसे सिटी है, सिटी मतलब एक शहर है, एक जाति लग रही है। जैसे सिटी के नाम बहुत है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। जैसे आ गया दिल्ली, तो दिल्ली ये तो प्रॉपर हो गया, और सिटी जो नाम है वो कॉमन हो गया। अपन कमांड पढ़ रहे हैं एक साथ तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो रिवर, रिवर बहुत सारी है, जैसे गंगा जो है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, तो इस प्रकार की नदियों के अगर नाम आ रहे हैं तो वो प्रॉपर हो जाएगा। केवल नदी है तो वो कॉमन आ जाएगा, यानी इनकी जात है, यानी कॉमन नाउन अपन जातिवाचक कहते हैं। जैसे कंट्री, तो कंट्री के अंदर आप बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे देश हैं, जिसमें से मान लो इंडिया, तो इंडिया है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है। जैसे गर्ल, तो गर्ल के अंदर जैसे बहुत सारे गर्लों के नाम होते हैं, सीता, मीता, गीता, ठीक है, तो इसलिए सीता है, गीता है, मीता है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और गर्ल है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह देखो बुक है, बुक बहुत सारे हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, कुरान है, ठीक है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, तो मतलब बहुत सारी बुकों के नाम हैं, तो ये बुक जो नाम होते हैं वो सारे सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। बुक अगर नाम ले रहे हो, पुस्तक ले रहे हो, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, तो इस समूह में अगर कोई बोध हो ना उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है, समूह में होना चाहिए। जैसे मॉब, भेड़ों का झुंड, जैसे टीम, यानी अब मान लो कि एक टीम बनती है तो वो बहुत सारे प्लेयरों से बनकर बनती है, ठीक है ना, खिलाड़ियों से बनती है, ठीक है, तो मतलब टीम है वो एक समूह आ गया। जैसे क्लास, क्लास में बैठते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थियों बैठे होते हैं तो उससे क्लास बनती है, ठीक है ना। जैसे फैमिली, तो बहुत सारे जो मेंबर होते हैं फैमिली में, कोई एक मेंबर अपन फैमिली नहीं कहते हैं, बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उनको अपन फैमिली कहेंगे, तो ये कलेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अपन आर्मी हैं, जैसे फ्लॉक हैं, जैसे जैसे बैंड है,
तो आर्मी में देखिए सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सैनिकों को मिलकर एक आर्मी बनती है, जैसे कमेटी है, जैसे ग्रुप है, जैसे बैंच है, जैसे गैंग है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपको पता हो गया कि ये सुबह में आ रहे हैं। इस प्रकार की अगर सुबह में किसी का बोध हो रहा है तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट देखिए मटेरियल नाउन, जिसे नापा और तला जा सके, ऐसे जैसे वाटर है, ऑयल है, करड है, आयरन है, गोल्ड है, शुगर है, पेपर है, इटीसी। ठीक है ना, जिस पे कीमत लगाई जा सके। ठीक है ना, जैसे मान लो कि भाई वाटर है तो लीटर में नापा जाता है, ऑयल भी लीटर में नापा जाता है, कर्ड जो दही होता है, ठीक है, और जैसे आयरन है, लोहा है, भी नापा जाता है, गोल्ड जो कैरेट में नापा जाता है, तो इस प्रकार केजी में नापा जाता है, शुगर, तो ये नापी तोली जा सकती है। इसके बाद एस्ट्रिक नाउन, जिसे हम न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, तो इस प्रकार के जो चीज़ों का जो बोध होता है वो अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए ट्रूथ, ठीक है ना, जो सच्चाई है वो अपन न तो देख सकते हैं, जैसे मान लो कि भाई मैं यहाँ पे बोलूँ गरीबी, कि उसमें अब ये आकलन थोड़ी कर सकेंगे भाई इसमें इतनी गरीबी है, 50 किलो गरीबी है या 70 किलो गरीबी है। ठीक है, गरीबी तो गरीबी होती है, सही, कितने गरीब हो या फिर थोड़ा हल्का फुल्का गरीब हो, तो सब मतलब इस प्रकार की अपन ये भाव पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी देखो 1 रुपये की ईमानदारी भी हो सकती है, 1000 रुपये की ईमानदारी हो सकती है, लेकिन भाव उसमें ईमानदारी का रहेगा वो हम न तो देख सकते हैं, लेकिन इसके भाव पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे गुडनेस, डेथ, ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, सभी जो भाषाएं होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, ठीक है ना, क्रिया के जो जितने भी नाम होते हैं, जैसे वॉकिंग, ING लगे आपको, तो वो सारी सारी जो क्रियाएं होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जितने भी जो बीमारियां हैं उनके नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बहुवचन रूप प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ये भी आपको अतिरिक्त बातें याद रखनी है। थैंक यू, इस सेशन में बस इतने पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।